नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां नारी के महत्व और उसके सम्मानित स्थान को बयां करती है। ये कविता शायद उन्होंने तब लिखी होगी जब नारी को समाज में उचित स्थान नहीं मिला था। कारण था स्त्रियों का शिक्षा और अपने अधिकारों के लिए ना जागरूक होना। नारी को हर जगह अपमानित और भोग की वस्तु समझकर इस्तेमाल किया जा रहा था, बावजूद उसके नारी ने सदैव पुरुष के सम्मान एवं प्रतिष्ठा के लिए स्वयं की जान दांव पर लगा दी। नारी के इसी पराक्रम के कारण यह कहावत सर्वमान्य बनकर साबित हुई कि प्रत्येक पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। आज नारी की बात इसलिए की आज 8 मार्च है, उत्सव का दिन है। उत्सव इसलिए कि संपूर्ण सृष्टि का सृजन करने वाली नारी और उसकी शक्ति के योगदान की आज पूरे विश्व में सराहना की जाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के योगदान एवं उपलब्धियों की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए आज के दिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नारी को समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाना और उसके स्वयं में निहित शक्तियों से उसका ही परिचय कराना होता है। आज के समय को अगर नारी के सम्मान का युग कहा जाता है तो गलत नहीं होगा। आज हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना पताका फहरा रही हैं। मौजूदा सरकारें भी महिलाओं को हर क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का अवसर उपलब्ध करा रही हैं, जो महिलाओं के विकास के लिए रामबाण साबित हो रहा है। आज पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली नारी किसी पर भारी नहीं बनती, बल्कि घर परिवार और समाज की मदद करती है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में महिला उद्यमियों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है। महिलाएं आज अपनी द्वारा लगभग हर उद्योग और क्षेत्र में कदम रख रही हैं। इसलिए आज हम महिलाओं के लिए उनके कौशल और जुनून के आधार पर एक उद्यमी के रूप में चुनने और बढ़ने के लिए कुछ घर से ही होने वाले बिजनेस के आइडिया लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं इन बिजनेस आइडियाज को। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं किसान भारती। स्वास्थ्य देखभाल। एक फिट और हेल्दी शरीर और एक्सरसाइज को पूरी दुनिया में लोगों द्वारा आसानी से अपनाया जा रहा है। लोग डेली एक्सरसाइज के रूप में डांस, एरोबिक्स और योग जैसी विभिन्न एक्सरसाइज करते हैं। इसमें महिला प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकती है और फिटनेस सेंटर्स को मैनेज कर सकती है। हेल्थ केयर बिजनेस में कुछ लोकप्रिय बिजनेस आइडिया में योग और मेडिटेशन सेंटर, जहां महिलाएं योग अभ्यास में प्रशिक्षित हो सकती हैं और योगा ट्रेनर और मेडिटेशन टीचर के रूप में अपने पेशेवर अभ्यास कर सकती हैं। इसके अलावा जुम्बा ट्रेनर बनकर भी काम किया जा सकता है। जुम्बा एक फेमस डांस फॉर्म है जिसे लोग नियमित एक्सरसाइज के रूप में चुन रहे हैं। महिलाएं अपने इलाके में रहने वाले लोगों के लिए जुम्बा क्लास शुरू कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे ब्यूटी पार्लर की। आप ब्यूटी केयर व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। महिलाओं को स्किन केयर काफी पसंद है और वे स्वयं अपना बिजनेस कर सकती हैं। यह एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि महिलाएं जानती हैं कि कस्टमर क्या चाहता है। इससे संबंधित आप अपने सैलून और स्पा सेंटर शुरू कर सकती हैं। हेयर केयर और मेकअप कुछ ऐसी महिलाएं कर सकती हैं जो इस काम में विशेषज्ञ हैं। युवा महिला उद्यमियों के लिए महान व्यापार के अवसरों में एक है। इसके अलावा नेल आर्ट आजकल काफी लोकप्रिय है, लेकिन हर कोई इसके विशेषज्ञ नहीं है। यदि आप हैं तो आप इसे व्यवसाय बना सकती हैं। ब्राइडल मेकअप यानी दुल्हन का मेकअप आज के समय में बहुत ज्यादा फेमस है। महिलाएं हालिया ट्रेंड को फॉलो कर सकती हैं और क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकती हैं। आप ब्राइडल मेकअप स्टूडियो खोलकर भी इसे बिजनेस को कर सकती हैं। कॉस्मेटिक शॉप। आजकल हर गांव या शहर में फेरी वाले कॉस्मेटिक के सामान बेचने जाया करते हैं और उनकी बिक्री भी खूब होती है। यह ऐसा बिजनेस है जिसकी प्रोडक्ट की मांग महिलाओं में हमेशा बनी रहती है। इस बिजनेस को आप अपने गांव घर से शुरू करके महिलाओं की जरूरत के सामान की पूर्ति करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती हैं। ज्वेलरी शॉप। यदि आप सिटी में रहती हैं और सोने चांदी के गहनों के बारे में आपको परख है, तो आप एक ज्वेलरी शॉप खोल सकती हैं और गहने बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। इसमें थोड़ी लागत ज्यादा आती है, परंतु शुरुआत में आप छोटे स्तर पर कम पूंजी लगाकर इसे शुरू कर सकती हैं। मेहंदी लगाने का बिजनेस। आजकल महिलाओं में मेहंदी लगाने का चलन बहुत बढ़ गया है। वे तरह तरह की डिजाइन की मेहंदी लगवाना पसंद करती हैं। ऐसे में अगर आप मेहंदी डिजाइनर है तो यह हॉबी आपका बिजनेस बन सकता है। आप लोगों के हाथों में मेहंदी लगाने के साथ ही कमाई भी कर सकती हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट। जब भी कोई मूवी या कार्टून का सीरियल बनता है तो इसमें वॉइस ओवर किया जाता है। उसमें जो वॉइस ओवर होती है उसके लिए एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें जिन महिलाओं की आवाज अच्छी है वो ये काम कर सकती है। इसमें 5,000 से लेकर 50,000 तक महीने का कमा सकते हैं। हैंडमेड गिफ्ट्स। ये भी एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें फोटो फ्रेम, फूलों के बुके, पेंटिंग बनाकर बहुत अच्छी कमाई की जा सकती है। ये आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक आप ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं और दूसरा आप अपने स्टोर खोल के पैसे कमा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ब्लॉगिंग की। अगर आपको किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है तो आप घर बैठे भी पैसे कमा सकती हैं।
इसके लिए आपको लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन आदि की जरूरत होगी तथा आपको अपना ब्लॉगिंग वेबसाइट बनवाना पड़ेगा जिस पर आपको नियमित आर्टिकल पोस्ट करना होगा। इससे आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपके पास किसी फील्ड में जानकारी है तो आप उसे ब्लॉग या वेबसाइट पर लिखकर पैसे कमा सकती हैं। YouTube चैनल, यदि आप घर पर रहकर कोई पैसा कमाना चाहती हैं तो आपके लिए YouTube चैनल बनाकर कमाई करना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद अपना चैनल क्रिएट करके अपनी जानकारी के अनुसार वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर सकती हैं और घर पर बैठे पैसे कमा सकती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वीडियो बनाने के बाद आपको वीडियो की एडिटिंग भी आनी चाहिए जिससे आप एक प्रभावशाली वीडियो बना सकें। ट्यूशन सेंटर, यदि आपको अंग्रेजी, गणित या विज्ञान विषय की अच्छी जानकारी है तो आप अपने घर पर रहकर अपने गांव, घर, आसपास, पड़ोस के लड़के लड़कियों को पढ़ाकर उनसे फीस लेकर एक्स्ट्रा कमाई कर सकती हैं। इससे आपकी जानकारी भी बनी रहेगी और आपकी कमाई भी हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पैसा किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए अनिवार्य है। आमतौर पर पैसे की कमी के चलते लोग अपने सपनों को जीने से पीछे रह जाते हैं। सरकार की लघु उद्योग के लिए कई सारी योजनाएं हैं जहां से आप आसानी से लोन ले सकते हैं और अपने टैलेंट को निखार सकती हैं। क्योंकि यदि किसी के पास कुछ करने का टैलेंट है और वो उस टैलेंट को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। किसान भारती की पूरी टीम की तरफ से आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।